देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, n बराबर 4, ठीक है। तो इसको अपन n का वैल्यू क्या होता है आपको पता होगा, n का वैल्यू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है 4, ठीक है। तो यहां पर क्या काम करेंगे, अब d का वैल्यू रखेंगे क्योंकि d इक्वल टू क्या दिया अपने को 2, तो a प्लस एन माइनस वन और d का वैल्यू हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना 4। इसे सॉल्व करेंगे a प्लस 2n हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। आगे हल करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 2n और ये माइनस का उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 से प्लस हो जाएगा। अब देखो यहां, हाँ a प्लस 2n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, a प्लस 2n की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमें क्या दिया, देखो sn दिया है, क्या दिया है, तथा sn बराबर, तो sn बराबर क्या है माइनस 14 है। sn का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, n बाय 2 प्रथम पद और क्या होता है nवां पद, प्रथम पद प्लस nवां पद माइनस 14, ठीक है। आगे बढ़ो, n बाय 2 a प्लस n का वैल्यू, इसे समीकरण 2 दे देते हैं, इसको समीकरण क्या देते हैं 1, n की वैल्यू कितनी अपने पास में 4। इस तरह से इसे मान पुट करके आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, n na कर दूं इसको, na प्लस 4n और इक्वल टू ये 2 इधर जाकर के माइनस का कितना हो जाएगा 28, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हम यहां पर किसका मान रख देंगे, एक a का मान। देखो यहां समीकरण 2 से और क्या हल हो सकता है, जरा देखिए a बराबर क्या हो सकता है 6 माइनस 2n हो सकता है क्या, ठीक है। हम यहां पर किसका मान रखेंगे, a का मान, आगे हल करते हैं, चलो यही हल कर देते। देखो क्या हो जाएगा कि समीकरण 2 से, किससे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से किसका मान, a का मान, किसका मान, a का मान समीकरण किसमें रखने पर, ये 183 लिख दे इसको, 3 इक्वेशन दे दे 3 में, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो समीकरण 3 अपना ये है, तो चलो a का मान रखते हैं n, a का मान हमारे पास क्या है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस ये हो जाएगा 4n और इक्वल टू कितना चल रहा है माइनस का 28। आगे हल करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा 6n माइनस ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल टू कितना माइनस का 28, नीचे दिखेगा क्या, ओके आगे बढ़ो। अब यहां देखिए ये लाइक टर्म है, जुड़ जाएगा 6 और 4 तो ये हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस का 28। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखो यहां से क्या कॉमन हो सकता है, यहां से 2 कॉमन हो सकता है, क्या हो सकता है 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5n, क्या बचेगा यहां पे 5n माइनस 2 बाहर हो गया तो n स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 28, 2 इसके बटे में जाएगा तो क्या जाएगा कट जाएगा, काट देते हैं कितने बार 14 बार, तो 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 14। इसको समीकरण में तो सेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा माइनस का n उधर जाएगा तो प्लस का n स्क्वायर, 5n उधर जाएगा तो माइनस का 5n और माइनस का 14 पहले से है एक यहाँ पे बचेगा 0, तो इस तरह से इक्वेशन बनी। देखो क्या इक्वेशन बनी, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस सॉरी अरे सही तो है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर क्या 0। अच्छा 14 को तोड़ो, बताया था अभी 2n7 में, ठीक। देखो 14 का ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसका जोड़ना घटाना कितना हो जाना चाहिए 5, कितना हो जाना चाहिए, भाई कुणाल क्या हो रहा है, थोड़ा शांत रह सकता है। देखो अब क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 5 को तोड़ रहे हैं अपन, कितना माइनस आना चाहिए तो 7n लिखेंगे, समझ में आ रहा है, हाँ लिखे मत थोड़ा समझ ले कर, ठीक ये हो जाएगा 7n प्लस क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा 5n माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे बाकी को, तो n स्क्वायर माइनस 7n
एक कोष्टक में प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा द्विघात समीकरण में कैसे हल करते बताने की आवश्यकता नहीं है। n कॉमन हो जाएगा, n माइनस 7 हो जाएगा प्लस 2 बाहर n माइनस 7 इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है n माइनस 7 और यहां पे क्या बचा है n प्लस 2 और इक्वल टू लिखेंगे जीरो। दोनों के बराबर जीरो ले सकते हैं तो n माइनस 7 बराबर भी जीरो या n प्लस 2 बराबर भी जीरो। तो फाइनली आपका n का मान यहां पे देख आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 7 और आप या यहां देखोगे तो n बराबर क्या होगा माइनस का 2। अब आप ही बताओ n का मैंने क्या बोला था, n कभी भी क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है मालूम है ना, क्योंकि पॉजिटिव। अच्छा n मतलब पदों की संख्या कभी माइनस में होती है क्या? नहीं, n हमेशा क्या होता है धनात्मक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए n बराबर पूछा गया था, n का मान देखो, n का मान कितना हो जाएगा 7, ये हमारा प्रथम आंसर होगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है a, तो आप इक्वेशन सेकंड उठा ले, इक्वेशन कौन सी उठा ले, सेकंड में अपन n का मान रख देंगे, समीकरण दो में n का मान रखने पर, तो n का मान क्या है आपका a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n का मान कितना है 7, तो a बराबर 6 माइनस 7 दो कितना होता है 14, घटा के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या माइनस का 8, देखो आंसर में कितना आ रहा है सही आंसर। तो इस तरह से आपके a और n के मान मिल जाएगा, a का मान 7 और a का मान n का मान 7 और a का मान माइनस का 8, नोट करो भाई। ठीक, अब समझाने की जरूरत नहीं ना, दो बार हो गए। ठीक,